हेलो दोस्तों, एचडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार आपके लिए लाया हूँ प्रतियोगिता दर्पण के एक साल का विविध का क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए हर एक एग्ज़ाम में सहायता करेंगे और हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। ये उसका पार्ट फोर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। अपरदन का सामान्य चक्र किससे संबंध है? नदीय अपरदन किसी भृगु के आधार की सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीडित चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? मिश्रोढ़क। कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? फंडी की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? इंटक। सार्वजनिक क्षेत्र पर बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत की एक निजी बैंक के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़। रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़। बजट पूर्ण आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? IMF को। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? UK में। महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1993 को। WTO कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1995 को। मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल की जाती हैं ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विमान एवं विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा। फिटकरी पानी को साफ करती है स्कंदन द्वारा। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? पेंक्रियाज। प्रेषित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परियोजना की दर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह कथन किसका नियम है? फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? 1932 में कार्ल डेविस एंडरसन ने। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? पिटवा लोहा। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? वाटसन एम क्रिक की। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? TB ट्यूबरक्यूलोसिस के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। टोकोफेरॉल किस विटामिन की रासायनिक नाम है? विटामिन E का। भारत में लाख उत्पादन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान है प्रथम। झारखंड राज्य में लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रांची में। पवनों की गति को कम करने के लिए कौन सी कृषि तकनीकी विधि उपयोग में लाई जाती है? पट्टी खेती या कृषि। गुजरात राज्य में कामधेनु विश्वविद्यालय स्थित है अमरेली में। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष 1987 कहाँ स्थित है? रायपुर में। कॉफ़ी खेती देश में कहाँ पर बहुतायत में की जाती है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों के पहाड़ी क्षेत्रों में। देश में कब पहली बार ई पशु हाट पोर्टल को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च किया? 26 नवंबर 2016 को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर। देश में वर्तमान में रेशम उत्पादन के उद्देश्य से सहतूत पौधारोपण का क्षेत्र 219,819 हेक्टेयर है जो देश के रेशम उत्पादन 26 राज्यों के अधीन है। देश में एरी और मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में प्रथम स्थान। पशु आहार में प्रोटीन प्रतिशत की मात्रा होनी चाहिए 15 से 17% प्रोटीन एवं आदर्श पशु आहार हेतु, अन्यथा दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा। सामान्यता के आधार पर अनुभवों की साझेदारी संचार है, यह कथन है विल्वर श्रैम का। संचार
करते समय जो जानकारी या जानकारी या विचार साझा किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है संदेश। संदेश के वाहक होते हैं जो स्रोत से श्रोता तक उसे पहुंचाने का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं माध्यम। किस प्रकार के संचार के द्वारा ज्ञान का प्रसार सर्वाधिक गति से होता है? मौखिक संचार के द्वारा। संचार की प्रमुख भौतिक बाधाएँ मानी जाती हैं समय, स्थान, दूरी, वातावरण इत्यादि। संकेतों के माध्यम से किया गया संचार कहलाता है अमौखिक संचार। संचार के संदर्भ में जब एक जानकारी किसी माध्यम से दूसरे तक पहुंचती है और वह उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है जो पुनः संचारकर्ता तक पहुंचती है तो प्राप्तकर्ता द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया कहलाती है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। डॉक्टर का अपने मरीज से संवाद किस प्रकार के संचार कोटि में आता है? अंतर्व्यक्तित्व संचार। शिक्षक का कक्षा में पढ़ाना या कोच का टीम को निर्देश देना किस प्रकार का संचार का उदाहरण है? समूह संचार। संचार को प्रभावशाली बनाती है संचार की विषय वस्तु। वह व्यवहार किसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है कहलाता है समाजीकरण। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता अपने सामाजिक संदर्भ से। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विषय के साथ अनुभव। समस्या समाधान को क्या बाधित करता है? अंतर्दृष्टि। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित करता है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। वे विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता को अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं कहलाती है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक। जब व्यस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव प्रक्रिया कहलाती है आत्मसातकरण। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है। अंजलि भागवत किस विद्या में पारंगत हैं? राइफल शूटिंग में। अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। ओलंपिक मशाल की विषय वस्तु में था जर्नी ऑफ हार्मनी। कॉर्नर एवं हाफ कॉर्नर शब्द किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? हॉकी में। चेतन आनंद का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। शीतकालीन ओलंपिक खेल कब से आरंभ हुए? 1924 से। अंचत शरत कमल किस खेल से जुड़े हैं? टेबल टेनिस। रग्बी यूनियन खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है? प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? डेटा। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल यूनिट। डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्कोर करते हैं, न्यूमेरिक फील्ड्स। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या है?
घर घर उपयोग, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन में किस धातु की आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तृतीय पीढ़ी। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है ब्रेल प्रयोगशाला में। चार्ल्स वेवेल की प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोटाइप। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1965 में। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स किसे कहते हैं? सेब को। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। पंचशील का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। रोहा से मंगलोर तक 760 किलोमीटर रेलवे लाइन का क्या नाम है? कोंकण रेलवे। रोहा से मंगलोर। तोराह किस समुदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों का। एड्स के प्रति जागरूकता हेतु कौन सी एक विशेष रेलगाड़ी चलाई गई थी? रेडर रिबन एक्सप्रेस। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। किस स्थान पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर गंगा बनती हैं? देवप्रयाग में। झेलम, ब्यास, चेनाब तथा सतलुज नदियों में से किसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर है? सतलुज का। भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे कम समय तक पद पर रहे? चौधरी चरण सिंह। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। नौसेना की दक्षिणी कमान कहाँ स्थित है? कोची में। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डी वियर्स किसके व्यापार से संबंधित है? हीरो के व्यापार से। किसने कहा था स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं? मैकाइवर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कांग्रेस ने लोकसभा की सर्वाधिक सीटों पर विजय प्राप्त की? राजीव गांधी के कार्यकाल में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? वालेहोन्नूर, कर्नाटक में। वर्ष 1976 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियोपेट्रा किस देश की महारानी थी? मिस्र की। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट से। अष्टछाप की स्थापना किसने की? आचार्य विट्ठल नाथ ने। हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? ताम्रयुगीन संस्कृति के। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपनिषदों के लिए। वाटरलू में युद्ध में ब्रिटिश सेना के सेनापति कौन था? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। 1917 में रूस की क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। बच्चों की शिक्षा से संबंधित मंटेसरी प्रणाली का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में। मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार का निर्णय कौन करता है? कैरोलिने मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम। नेफा किस देश का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर। भारत के वित्त मंत्री के अनुसार भारत के आधारभूत संरचना का विकास ट्रिपल पी मॉडल पर ही किया जाना चाहिए। यह ट्रिपल पी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? वेनस, शुक्र। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किस महिला के नाम दर्ज है? सुनीता विलियम्स के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वह मुख्य न्यायाधीश जिसे भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है कौन है? एम हिदायतुल्लाह। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? सोमनाथ वर्मा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।